आइए बात करते हैं मेरे फेवरेट शो की, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस नाम में ही गड़बड़ है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन तारक मेहता तो चश्मा पहनता नहीं है, तो इस टीवी शो का नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों रखा? ये डायमंड साड़ी ने जेठालाल को बहुत मुसीबत में डाल दिया था। क्या आपने इस डायमंड साड़ी वाले एपिसोड में ये नोटिस किया कि जब अय्यर और बबीता अपने घर होते हैं, तब बबीता जी की टी शर्ट पर एक चेन होती है। लेकिन जब वो दोनों जेठालाल के घर पर साड़ी लौटाने जाते हैं, तब बबीता जी के टी शर्ट पर वो चेन नहीं होती है। तो वो चेन गई कहाँ? तारक मेहता के पहले पार्ट में मैंने दिखाया था कि जेठालाल के घर में किचन में आने जाने का रास्ता है ही नहीं, तो कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। तो ये देखिए एक नया प्रूफ, दिखाइए कहाँ है किचन में आने जाने का रास्ता। क्या दया दीवार तोड़कर किचन में से आती जाती है? अहमदाबाद की दया है, वो कुछ भी कर सकती है। आप सब इंस्पेक्टर चालू पांडे को तो जानते ही होंगे, तो फिर ये कौन है जो पंडित बन के बैठा है? क्या ये चालू पांडे का कोई दूसरा भाई तो नहीं है ना? एक भाई पंडित तो दूसरा भाई पुलिस। अगर ये चालू पांडे का जुड़वा भाई नहीं है, तो क्या चालू पांडे का पंडित में से इंस्पेक्टर का प्रमोशन हुआ है? प्रोजेक्ट रोशनी वाले एपिसोड में जब डोनेशन इकट्ठा करना होता है, तब स्कूल में सोनू के बाल बंधे हुए होते हैं, लेकिन सोनू जब स्कूल से घर पहुंचती है, तब उसके बाल खुले हुए होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सोनू स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में ब्यूटी पार्लर होके आई है? लेकिन ऐसा कुछ तो उस एपिसोड में दिखाया नहीं है। आप सब जानते ही है कि चालू पांडे की बीवी का नाम बासुंदी है, लेकिन चालू पांडे अपने बीवी को बसंती कहते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, आप सबने सही सुना, बसंती। ओह बासुंदी, मेरे लिए एक चाय बोल कर आओ। हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी। सुना ना आपने, चालू पांडे खुद अपने बीवी का नाम भूल गए हैं। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में भीड़े के अलावा कोई भी अपना व्हीकल सोसाइटी के कंपाउंड में पार्क नहीं करता। सिर्फ भीड़े का स्कूटर ही कंपाउंड में पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि भीड़े के अलावा किसी और के पास खुद का व्हीकल ही नहीं है। अगर उनके पास व्हीकल है, तो वो लोग कहाँ पार्क करते हैं? या फिर भीड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा? जेठालाल की दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का गोडाउन का फ्लोरिंग बदलता रहता है। कभी नीले रंग का होता है, तो कभी लाल रंग का होता है। जेठालाल, गोडाउन पे इतना खर्चा करने के बजाय नटू काका और बागा की पगार बढ़ा दो। बेचारे कितने सालों से पगार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने भी ऐसी कोई गलतियां नोटिस की है, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। धन्यवाद।